2 अक्टूबर 2020 आज हम देखेंगे कि हम गमला कैसे भरते हैं। सबसे पहले ये हमने एक गमला लिया, खाली गमला। इसके ऊपर हम एक पत्थर रखेंगे ताकि इसका मिट्टी जो है वो बाहर नहीं जाए। और ये देखिए, हमने मिट्टी का मिक्सचर लिया, ये रिवर सैंड है, इसमें थोड़ा सा खाद मिक्स है, और ये गोबर की खाद है, प्योर गोबर की खाद है जो कि डिकम्पोज हुई हुई है। और ये है हमारी गार्डन सॉयल जो आपके एरिए में, हमारे एरिए में जो मिलती है। तो हम इन तीनों को मिक्स करेंगे, ये 40% है, ये 30% और ये भी 30%। इन सबको मिक्स करके हम गमले में डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना, हाथ ना कर लो। अच्छे से मिक्स करके सब, इसके कोई भी गमला है उसमें ये ठीकरी रखना बहुत ज़रूरी है, पत्थर, जिससे कि जो मिट्टी है वो बही नहीं। अगर ये गमला है 8 से 10 इंच का गमला है, इसमें हम मिट्टी जो है वो भरेंगे। सबसे पहले हम मिट्टी भर के रख देंगे, मिट्टी भरने के बाद फिर हम कुछ दिन इसी तरह पानी देंगे ताकि मिट्टी जो है वो सेट हो जाए, इसमें एयर बबल्स निकल जाएं, और उसके बाद हम प्लांट्स लगाएंगे। क्योंकि गोबर की खाद का चाहे डिकम्पोज हो गई है पर फिर भी इसमें थोड़ा सा गर्मी रहती है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करके अगर कोई कंकर पत्थर हुआ तो वो हम निकाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम गमले में भर लेंगे। छोटे गमलों के लिए ये मेथड बिल्कुल सही रहता है कि 30-40% जो है आप वो लीजिए काओ गोबर की खाद, 30% मिट्टी और 30% रिवर सैंड ले लीजिए। अगर आपको इस तरह की कोई केंचुए दिखें तो वो फेंके नहीं, ये आपके पौधों की मिट्टी के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसे बिल्कुल तैयार करके रख देंगे। इस तरह हमने बहुत सारे गमले फिल किए, तो पहले हम इसे सेट होने के लिए कम से कम 10 दिन का समय देंगे। 10 दिन बाद फिर इसमें कोई भी प्लांट लगाएंगे, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूटिंग हो, चाहे वो फ्लावर वाला हो, या कोई परमानेंट प्लांट हो। इसके लिए इस तरह से मिट्टी जो है तैयार करते हैं।